अब हम देखेंगे मध्यम पुरुष उभयलिंग, मध्यम पुरुष यानी तुम दो तुम सब, तो यह दोनों लिंगों में ही प्रयोग होता है, पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी। माधव माधव, हे राम अरे राम, त्वम तुम प्रातः सुबह भ्रमसी घूमते हो, अरे राम तुम सुबह घूमते हो। राम है राम, हे लते हे लता, त्वम अपि तुम भी प्रातः सुबह भ्रमसी घूमती हो। माधव माधव, युवाम तुम दोनों प्रातः सुबह भ्रमथ घूमते हो, तुम दोनों सुबह घूमते हो। लता हे सुरेश त्वम अपि तुम भी प्रातः सुबह भ्रमसी घूमते हो, हे सुरेश तुम भी सुबह घूमते हो। माधव माधव, यूयम तुम सकलाहा सब प्रातः सुबह भ्रमत घूमते हो, यूयम स्वस्थाहा सत, यूयम तुम सब स्वस्थाहा स्वस्थ सत हो, तुम सब स्वस्थ हो। अब हम देखेंगे उत्तम पुरुष उभयलिंग। दीपेश है दीपेश, अहम हसामी, अहम यानी मैं, हसामी हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ, देखा अहम अपि हसामी, अहम मैं अपि भी हसामी हंसती हूँ। दीपेश है दीपेश, आवाम हम दोनों हसावह हंसते हैं। गीता अहम अपि हसामी, अहम मैं अपि भी हसामी हंसती हूँ। वयम सकलहा हसामह, वयम हम सकलहा सब हसामह हंसते हैं। वयम क्रीडामह, वयम हम सब क्रीडामह खेलते हैं। वयम खादामह, हम सब खाते हैं। वयम प्रसन्ना हास्मह, हम सब प्रसन्न हैं। तो हमने इस पाठ में क्या सीखा? हमने सीखा कि जो क्रिया होती है वह कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होती है।